बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम बहुत तेजी से जारी है। सुरंग में लगी हुई जो कंपनियां हैं, रेस्क्यू में जो कंपनियां लगी हुई हैं, उनके अधिकारियों के मुताबिक 1 मीटर तक मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। चलंग में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम 30 नवम्बर गुरुवार तक पूरा कर लिया जाएगा। सुरंग में 17 दिन से फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग यानी कि पहाड़ के ऊपर से खुदाई शुरू कर दी गई है। इस ऑपरेशन से जुड़े हुए अधिकारियों के मुताबिक सुरंग के ऊपर से 35 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग की जा चुकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को टनल के ऊपर से करीब 86 मीटर तक ड्रिल करना है। रैट माइनर सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग को हाथों से अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि 24 नवंबर को शाम के वक्त अमेरिकी ऑगर मशीन के सामने लोहे का पाइप आने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर की तरफ से सुरंग में छेद करने का काम शुरू किया, ताकि किसी भी सूरत में मजदूरों तक पाइप की सुरंग पहुंचाई जा सके। क्योंकि खबर है कि 16 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूरों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ उनमें डर और तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतने दिन बाद भी रेस्क्यू टीम उन तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि सिलक्यारा की ओर से तेजी से ड्रिलिंग और पाइप से सुरंग बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन शुक्रवार यानी 24 नवंबर को मलबे में सरिया आने की वजह से खुदाई का काम बंद हो गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने फौरन प्लान बी पर काम करना शुरू किया। इस प्लान के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से पहाड़ का सीना चीर कर मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग में छेद करने का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 86 मीटर की खुदाई की जानी है, और खबर है कि 35 मीटर से ज्यादा की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। इस प्लान के मुताबिक मजदूरों तक पाइप से सुरंग बनाई जा रही है। इसके लिए पाइप को एक के पीछे एक जोड़कर पहाड़ के अंदर धकेला जा रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंग में ऊपर की तरफ से खुदाई करना बेहद खतरनाक और जोखिम भरा है, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान मशीन की कंपन से बड़ी मात्रा में सुरंग में मलबा गिर सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर मजदूरों के साथ रेस्क्यू टीम की मुसीबत भी बढ़ जाएगी, और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञ वर्टिकल ड्रिलिंग को खतरनाक और जोखिम भरा बता रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू टीम के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं, क्योंकि डंडाल गांव की ओर से मजदूरों तक पहुंचना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से रेस्क्यू टीम पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा छेद करके रास्ता बनाने में जुट गई। लेकिन डर यह है कि खुदाई के दौरान मशीन की कंपन की वजह से सुरंग में बड़ी मात्रा में मलबा गिर सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सिलक्यारा की तरफ 47 मीटर खोदने में करीब 3 दिन लगे थे। ऐसे में ऊपर से ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचने में 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है, वो भी तब जब ड्रिलिंग लगातार होती रहे और मलबे में ऐसी चीज ना आए जिससे मशीन को कोई नुकसान हो। ड्रिलिंग के दौरान आने वाली इस चुनौती से निपटने के लिए भी रेस्क्यू टीम पूरी तैयारी कर चुकी है। खबर है कि ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा टूटने या फिर फंसने की आशंका को देखते हुए उसे निकालने के लिए पहले से ही वहां कटर मशीन बुला ली गई है, ताकि मजदूरों तक पाइप से बनाई जा रही सुरंग का काम बंद ना हो। विशेषज्ञ बताते हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से की जा रही खुदाई सामने की तरफ से की जाने वाली खुदाई से धीमी होती है, मतलब मजदूरों तक पहुंचने के लिए टनल के ऊपर पहाड़ में छेद करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस काम को सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड अंजाम दे रहा है, लेकिन आशंका यह जताई जा रही है कि ड्रिलिंग के दौरान मशीन के सामने चट्टान आने की वजह से मशीन भी खराब हो सकती है, और इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने वहां कटर मशीन पहले ही बुला ली, ताकि मशीन का कोई हिस्सा अगर फंसे तो उसे काट कर निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस वक्त जिस मशीन से पहाड़ में छेद किया जा रहा है वो सिर्फ 40 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। इसके बाद वहां बड़ी मशीन लगाई जाएगी जो 40 मीटर से आगे यानी और 46 मीटर की खुदाई कर मजदूरों तक पाइप से सुरंग बनाने का काम करेगी। लेकिन एक मशीन को हटाकर वहां दूसरी मशीन लगाने में कई घंटों का वक्त लग सकता है। सिलक्यारा की तरफ से यानी सामने की तरफ से मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम ने हाथों से खुदाई करने का प्लान तैयार किया, और इसके लिए वहां रैट माइनर्स की एक टीम बुलाई गई। ये वो मजदूर हैं जो पाइप के जरिए अंदर जाकर हाथों से मलबे की खुदाई का काम करेंगे, ताकि जल्द से जल्द मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाई जा सके।
सिलक्यारा की तरफ से टनल में करीब 12 मीटर की खुदाई का काम बाकी है और इस दूरी तक ड्रिल करने के लिए रेस्क्यू टीम ने हाथों से खुदाई करने का प्लान तैयार किया। इस काम को अंजाम देने के लिए रैट माइनर्स की एक टीम वहां बुलाई गई। संकरी जगहों में जाकर ड्रिल करने वाले मजदूरों को रैट माइनर्स कहते हैं। सिलक्यारा टनल के बाहर रैट माइनर्स की जो टीम पहुंची है उसमें 6 लोग शामिल हैं जो पाइप के अंदर जाकर मलबे में ड्रिल करेंगे, पाइप में घुसेंगे, मट्टी कच्ची गेंती से खुदेंगे। अच्छा, फिर उसको निकालेंगे बाहर, गड्डी पर रख के तसले बाहर निकलेगी, रस्सा से खींचेंगे। जानकारी के मुताबिक ये लोग दो दो के ग्रुप में सुरंग में डाले गए पाइप में जाएंगे और बची हुई 12 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई को हाथों से अंजाम देंगे। बताया जा रहा है कि 12 मीटर की खुदाई के लिए इन मजदूरों को 20 से 22 घंटे का वक्त लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक पाइप के अंदर जाकर हाथों से ड्रिलिंग का काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि रास्ते में जो सरिये और लोहे के पाइप हैं वो कितने मजबूत हैं। और अगर लोहा कम मोटा हुआ तो हाथों से ड्रिलिंग के काम में वक्त लगेगा, लेकिन अगर सरिया या फिर लोहे के पाइप मोटे और मलबे के अंदर गहराई में हुए तो उन्हें हटाने में कई दिनों का वक्त लग सकता है। खबर यह भी है कि सिलक्यारा की तरफ से जहां तक खुदाई हुई है उसके आगे सरिये का जाल है जिसे हटाने में रेट माइनर्स यानी सुरंग के अंदर हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। और इसी वजह से इस ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक मजदूर कब तक सुरंग से बाहर निकलेंगे इस पर अटकने लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध लड़ने जैसा है। ड्रिलिंग के दौरान कब और कहां से मुसीबत आ जाए इसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। हालांकि सिलक्यारा की ओर से हाथों से करीब 12 मीटर की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा टनल के ऊपर से भी पहाड़ में ड्रिल करके मजदूरों को निकालने के लिए पाइप से सुरंग बनाई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने सेना की मदद से पाइप में फंसा ऑगर मशीन का करीब 14 मीटर लंबा हिस्सा निकाल लिया जो सिलक्यारा की तरफ से 24 नवंबर की शाम को पाइप से बनाई जा रही सुरंग में फंस गया था। इस घटना से पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका की ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन 3 दिन पहले मशीन के आगे सरिया आने से खुदाई का काम बंद हो गया था। जांच में पता चला कि अमेरिकी ऑगर मशीन का करीब 14 मीटर लंबा ब्लेड पाइप में फंस गया था। मशीन का यही हिस्सा खुदाई के दौरान आने वाली मिट्टी को पीछे की तरफ निकालता है। इसके बाद मशीन के इस हिस्से को निकालने के लिए हैदराबाद से लेजर और प्लाज्मा कटर मंगवाया गया। 26 नवंबर की शाम से मशीन के इस हिस्से को काटने का काम शुरू हुआ जो पूरी रात चला। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पाइप की सुरंग से कई मजदूर मिलकर मशीन के ब्लेड को रस्सी की मदद से खींचते दिखाई दिए। हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। इस काम में सेना की भी मदद ली गई। बाद में कई घंटों की मेहनत के बाद प्लाज्मा कटर से ऑगर मशीन के ब्लेड को पाइप के अंदर से निकाल लिया गया। इसके अलावा पाइप में फंसे मशीन के दूसरे हिस्सों को भी काट कर अलग कर दिया गया। उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया है। खाना पहुंचाने का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पाइप के जरिए खाना पहुंचाते हुए टनल के अंदर कुछ लोग नजर आए। पिछले 17 दिनों से सुरंग के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए लगातार ड्रिलिंग की जा रही है। और कैसे उन मजदूरों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया गया, अब उसका एक वीडियो सामने आया है। इन मजदूरों को अंदर टनल में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए ये फूड पैकेट टनल के अंदर पहुंचाए गए जो अगले कुछ दिनों के लिए काफी बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दावा ये भी कि 30 नवंबर तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। प्रियंका इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, वीडियो तो हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं कि कैसे खाने पीने के जो पैकेट्स हैं वो टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अभी अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, रैट माइनिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो तेजी से चल रही है। लास्ट अपडेट हमारे पास ये था कि 1 मीटर तक जो पाइप है वो एक्स्ट्रा इंसर्ट कर लिया गया है, लेकिन उससे पहले 1.9 मीटर का पाइप काटा भी गया था। यानी कि हम प्रोग्रेस में है धीरे धीरे। और रैट माइनर जो है वो 12 लोगों की टीम है, रात भर काम कर रही है, 24/7 ये 12 लोगों की टीम काम कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है
कि मैनुअल ड्रिलिंग अब जल्द से जल्द रुके, जिसके लिए 24 से 26 घंटे का समय बताया जा रहा था, वो काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। जो फूड की बात हो रही है, उनको तकरीबन हर 4 घंटे में खाना पहुंचाया जाता है, अगर कुछ खास चीज वो डिमांड करते हैं वो भी उनको पहुंचाई जाती है। खाने में सॉलिड फूड, फ्रूट, ये तमाम चीजें उनको दी जाती है, और साथ ही वो अंदर है इसलिए उनकी एंटरटेनमेंट के लिए उनको लूडो, ऐसे गेम्स वगैरह भी भेजे गए हैं। जी, एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा गया है, खाने पीने के फूड्स, जैसा प्रियंका बता रही है कि हर 4 से 5 घंटे के अंदर मजदूरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। खबर है कि उस पाइप से मशीन का हिस्सा निकालने से पहले ही रेस्क्यू टीम ने खुदाई का प्लान बदल दिया था, क्योंकि खुदाई के दौरान ऑगर ड्रिलिंग मशीन कई बार खराब हो चुकी थी। 23 नवंबर को तो एक नहीं बल्कि 3-3 बार मशीन में गड़बड़ी आई थी, और इस वजह से कई घंटों तक ड्रिलिंग का काम रुक गया था। 16 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सिलक्यारा की तरफ से पाइप डाला जा रहा था। अमेरिकी ऑगर मशीन से मलबे में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई की जा रही थी। इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली, क्योंकि सुरंग के अंदर 60 मीटर के हिस्से में फैले मलबे में 47 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका था। मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 10 से 12 मीटर की दूरी और रह गई थी। लेकिन शुक्रवार 24 नवंबर की शाम को ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिया आने से मशीन का एक हिस्सा उसमें फंस गया। जब मशीन से ज्यादा दबाव डाला गया तो वो हिस्सा टूट गया। कुछ हिस्से को उसी वक्त निकाल लिया गया, लेकिन बड़ा हिस्सा वहीं अटक गया, जिसकी वजह से सिलक्यारा की तरफ से की जा रही ड्रिलिंग का काम रुक गया। मतलब मजदूरों तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई के जरिए पाइप डालने का काम फेल हो गया। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने वर्टिकल ड्रिलिंग यानी पहाड़ के ऊपर से छेद करना शुरू किया। परेशानी सिर्फ मशीनों के खराब होने की नहीं, बल्कि मौसम भी मजदूरों को निकालने के काम में बाधा बन सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए उत्तरकाशी और उसके आसपास के जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर 16 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूरों के साथ साथ रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बारिश में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ऊपर से पहाड़ में छेद करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मशीन खराब होने के साथ उस इलाके में जमीन खिसकने का भी खतरा मंडराने लगेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी समेत कई जिलों में अगले 3 दिनों के लिए बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से मौसम बना हुआ है उससे परेशानी सामने आ सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे जनपद में बादल छाए हुए। बारिश होने से वर्टिकल ड्रिलिंग के अलावा सिलक्यारा की तरफ से हाथों से की जा रही खुदाई भी बंद करनी पड़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश की वजह से टनल में और मलबा भी गिर सकता है। इससे रेस्क्यू टीम की मुसीबत बढ़ने के साथ सुरंग से बाहर निकलने की उम्मीद लगाए 41 मजदूरों का इंतजार लंबा हो सकता है। टनल के बाहर एक ऐसी घटना हुई जिसे आसपास के लोग चमत्कार मानने लगे। हुआ ये कि सिलक्यारा की तरफ से टनल के ठीक बाहर और बाबा बौखनाथ मंदिर के पीछे पानी के रिसाव की वजह से एक ऐसी आकृति बनी जो भगवान शिव की प्रतिमा जैसी दिख रही थी, और इसी वजह से सुरंग के बाहर बनी ये आकृति चर्चा का विषय बन गई। इस आकृति को देखकर आसपास के लोग इसे चमत्कार मानने लगे, क्योंकि पानी के रिसाव से बनी भगवान शिव की आकृति कार्तिक पूर्णिमा के दिन और सोमवार को बनी। टनल के बाहर भगवान शिव की तरह दिखाई देने वाली इस आकृति के उभरने को लोग बेहद शुभ मान रहे हैं। ये हमारे साक्षात भोलेनाथ है। भोलेनाथ की आखिरी बात है, आज हमारे जो 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। पानी से बनी ये आकृति सुरंग के बाहर बाबा बौखनाथ मंदिर के ठीक पीछे। लोगों के मुताबिक टनल के पास बाबा बौखनाथ का मंदिर था, जिसे सुरंग बनाने के दौरान हटा दिया गया था। लेकिन सुरंग में मजदूरों के फंसने के बाद अधिकारियों ने फिर से टनल के बाहर बाबा का मंदिर बना दिया, और इसी मंदिर के पीछे भगवान शिव की तरह दिखने वाली आकृति उभरी। सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने का प्लान तैयार किया। माना जा रहा है कि इसके जरिए सुरंग के अंदर 16 दिन से फंसे मजदूरों पर दिन रात नजर रखी जाएगी, क्योंकि टनल से मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है।
सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग रुकने के बाद सुरंग के ऊपर से छेद बनाकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश है, लेकिन इस ऑपरेशन में आ रही अड़चनों की वजह से रेस्क्यू टीम की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि देश की 8 एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। खबर ये भी है कि मजदूरों पर दिन रात नजर रखने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने का प्लान तैयार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की तरह सोचने वाला एक आधुनिक सॉफ्टवेयर है और इसकी मदद से सुरंग में फंसे मजदूरों के बर्ताव में होने वाले बदलाव पर 24 घंटे नजर रखने की तैयारी है। अगर कोई इंसान एक जगह बैठ जाता है या वो चीखने लगता है या रोने लगता है हाँ। तो खट से उसको हम लोग जो AI सिस्टम होता है यहाँ पे अनयूजुअल बिहेवियर आएगा। मतलब तनाव की वजह से जैसे ही सुरंग में फंसे मजदूरों के बर्ताव में बदलाव आएगा ये तकनीक पहले ही कमांड सेंटर को जानकारी दे देगी। इसके अलावा ये तकनीक ड्रिलिंग के दौरान सुरंग से निकलने वाली जहरीली गैस की भी जानकारी देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टनल में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देने की भी तैयारी की गई है।